सीकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत यहां निवेश को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए। इससे यहां के विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तुत है सीकर से हमारे संवाददाता सुनील पारमुवाल की एक रिपोर्ट। सीकर शहर एक ऐसा शहर है जिसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। सीकर जिले में कोचिंग इंडस्ट्री काफी अधिक विकसित हो रही है, वहीं मेडिकल के क्षेत्र में भी यह जिला बहुत अग्रणी माना जाता है। यहां खाटू श्याम जी भी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में विकसित हो रहा है। सीकर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत निवेश बढ़ाने और उद्योग स्थापित करने के लिए जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2671 करोड़ रुपए की राशि के कुल 100 एमओयू साइन किए गए। इससे यहां लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। अभी जो 23 अक्टूबर को यहां पर राइजिंग राजस्थान के तहत हमने एमओयूज किए हैं, तो उसमें करीब 100 एमओयू हमने किए हैं। 100 में से 87 एमओयू तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए हैं और 13 एमओयू यूआईटी के माध्यम से किए गए हैं, और करीब लगभग 2026 करोड़ के ये एमओयूज किए गए हैं और 1000 करोड़ के यूआईटी के द्वारा किए गए हैं और 12000 इसके अंदर हम योगदान रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। यहाँ के जो यूथ है उसको रोजगार हम 12000 के करीब करवा पाएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निवेशकों को राजस्थान में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना है। सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में 492 करोड़ रुपए के 66 एमओयू साइन किए गए, वहीं सर्विस सेक्टर में करीब 1178 करोड़ रुपए के 22 एमओयू साइन किए गए, जिससे जिले में लगभग 12000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान अभियान चलाया गया है, उसके तहत भी सीकर में एडुकेशन को नए आयाम देने के लिए बहुत सारे नए एमओयूज हुए, जिसके तहत कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनके नए कैंपसेज आने वाले समय में सीकर शहर में बनेंगे। तो शिक्षा नगरी के रूप में सीकर बढ़ चुका है। राइजिंग राजस्थान जो कैंपेनिंग है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये पूरे देश में राजस्थान के ऊपर नजरें आके टिकी है। लोग बाहर से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। निवेशकों का कहना है कि सीकर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से शिक्षा नगरी सीकर को नया स्वरूप और नई गति मिलेगी, साथ ही यहां उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।